कारने लोटूवर तनी चल अनी पेशे और यहाँ से पंडित जी बोले कम करो आप कम करो आप कम करो और ये जा रहे पंडित जी देख लेते हैं लोग तो टेक टाइम पंडित जी के पास आते उन्होंने बोला कान में पंडित जी शो रुको लो तुम्हारी शक्ल कुछ पहचानी पहचानी से लग रही है और मुझे पूरा यकीन है कि हम कहीं मिले हैं। मैं कभी कुछ भूलता नहीं। कहीं और मिले होंगे घूमने आया होगा पंडित जी टूरिस्ट है टॉली और पंडित जी को याद आया सोच ही रहे थे टॉली और पंडित जी की नजर गई झनक पे झनक बेटी कैसी हो तुम जी नमस्ते पंडित जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं अच्छा हूँ मुझे याद है तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी ना एक सेकेंड ये तुम्हारा मंगलसूत्र और तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है और ये लड़का इसकी शक्ल तो काफी कुछ पहचानी पहचानी से लग रही है तुमने जिससे शादी की थी वो भी तो कुछ ऐसा ही था ना चांदी टेंशन सृष्टि जी बोलती पंडित जी रहने दीजिए ना मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए हमें जल्दी है कल सुबह कोलकाता के लिए निकलना है ऐसे मामलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है इसकी शादी नहीं है अभी तक क्या मतलब मैंने स्वयं इन दोनों की शादी करवाई है गांव के पुराने मंदिर में अनिरुद्ध तुम चुप क्यों जवाब दो इनके सवालों के जवाब तुम ही दे सकते हो अनि और कितना ह्यूमिलेट होना पड़ेगा मुझे पंडित जी आप ठीक है मेरी और जनक की शादी हुई थी और आप लोगों ने करवाई थी लेकिन वो एक बनावटी शादी थी गुस्सा पंडित आप बताइए पंडित जी बनावटी शादी थी ना क्या बोला तुमने बनावटी शादी ऐसी बावन रस्मों को तुम बनावटी बोल रहे हो मेरे मंदिर में ऐसे अपवित्र शब्दों को बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंडित जी मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी शादी तेजस से हो रही जानता हूं मैं इसकी शादी तेजस से हो रही थी और तुमने इसे बचाया और तुमने उससे शादी की और इतने दिनों के बाद तुम बोल रहे हो कि ये शादी बनावटी थी पंडित जी प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए एक बार अगर तुम ये सब जानती थी अगर तुम्हें मालूम था तो तुमने उस समय बताया क्यों नहीं मुझे हालात ऐसे बन गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाए हम डरे हुए थे टेंशन में थे और वो गांव वाले हमारी शादी किए बिना हमें जाने नहीं देते हमें जो सही लगा हमने वही किया तुम दोनों ने झूठ मूठ की शादी करके बहुत बड़ा पाप किया है पंडित जी पाप नहीं किया है मैंने जनक से शादी की थी इसकी जान बचाने के लिए लेकिन प्यार अर्शी से करता शादी भी इसी से लेकिन मैं प्यार अर्शी से करता हूँ शादी भी इसीलिए इसी से कर रहा हूँ मैं इसे धोखा नहीं दे सकता और जैसे मैं अर्शी से प्यार करता हूँ झलक भी किसी से प्यार करती है और अगर मैं और झलक दोनों उस शादी को सच मान लेते ना तो बहुतों के लिए नाइंसाफी होती एक बार शादी होने के बाद कोई उस जोड़ी को तोड़ नहीं सकता स्वयं ईश्वर भी नहीं तुम्हारे लिए वो शादी नकली थी लेकिन मैंने मंत्र असली पढ़े थे असली शादी करवाई थी तुम्हारी मैं तुम्हारे चरित्र को नहीं जानता लेकिन स्वयं को जानता ये शादी नहीं हो सकती अनिरुद्ध आप